हम क्या चाहते हैं, सफल हम किस बात में, ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अगर आदमी शिक्षित हो गया और बड़े पद पर चला गया और खूब धन धान संपन्न हो गया, बड़ा भवन बनवा लिया, बड़ी लान है, बड़ा प्रांगण है, बड़ी प्रसिद्धि है, तो माना जाता है वो बहुत सफल है। लेकिन ये सफलता बाहरी है, उसकी अपनी सफलता नहीं है। सफल वह है जिसका मन संतुष्ट है, मन में शांति है। देखो, कल जापान की लड़की आई थी, और वो लड़की ही नहीं है, प्रौढ़ है, बड़े पद पर है, बहुत अशांत है। कहती थी हमारे देश में अशांत होकर के आत्महत्या बहुत हो रही। वो कहती थी मेरा भी मन भी होता था आत्महत्या करने का, लेकिन कुछ कारण बस रुक गई। शांति कैसे मिले, वो धन धान संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है। मैंने कहा कि दुनिया की चमक दमक झूठी है, और इसी में मन रमने से अशांति होती है, क्योंकि दुनिया के भोग जैसा चाहो मिलते नहीं हैं, और जितना मिल जाते हैं वह अंत में अपने अनुकूल नहीं रहते हैं, बदल जाते हैं और छूट जाते हैं, इसलिए सदैव अशांति बनी रहती है। दुनिया की चमक दमक से मन जब लौटेगा, अंतर्मुख होगा, तब शांति मिलेगी। तो उसने कहा इसका उपाय क्या है। मैंने कहा दुनिया के रूप को देखो, सब परिवर्तनशील है, कुछ स्थिर नहीं। कारण कार्य का प्रवाह है, कारण है, कार्य है, मूल जड़ तत्व कारण है, और दुनिया की जितनी निर्मित वस्तुएं हैं वो एक कार्य हैं, और जो निर्मित होता है वो बदलता और मिटता है। कोई निर्मित वस्तु स्थिर नहीं रहती है, जिसमें आज चिपकाहट होती है, कुछ दिनों के बाद उससे वितृष्णा होती है, लगता है कुछ नहीं इसमें। इसमें बैठे हुए बूढ़े लोगों को मैं कहता हूँ, जो बूढ़े हैं वे भी एक दिन दूल्हा बने थे, जितने बूढ़े हैं सब दूल्हा बने थे, लेकिन आज उससे कोई योग पूछे कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो चिढ़ जाएगा कहेगा मेरा मजाक उड़ाते हो। अब उसका दूल्हा बनना याद कराना, जब दूल्हा बना था कितना जोश था, आज दूल्हापन नहीं है। सारा संयोग क्षणिक है, सब कुछ बदलता है, इसका विचार करो, चिंतन करो। उसको आंसू आ गए, बहुत भावुक हो गए, उसको लगा कि मुझे सूत्र मिला। लेकिन भाषा की कठिनता, वह पीड़ित है, धन धान से संपन्न होने से मन बढ़िया नहीं हो जाता है। किसी के धन धान्य है और मन भी बढ़िया है, मन भी अच्छा है, तो धन धान से नहीं है, साधना से है, विवेक से है। कोई अपने एसी कार में चल रहा है, प्राइवेट कार में, चिंतित भी हो सकता है, प्रसन्न भी हो सकता है। चिंतित है तो मन के विकार से, प्रसन्न है तो मन की निर्मलता से, कार से नहीं। एक व्यक्ति बस में बैठा जा रहा है, बस में खूब भरे हैं लोग, गर्मी है, लेकिन जिसका मन निर्मल है उस भीड़ में बैठ करके भी वो स्वर्ग में है, और एसी कार में है, प्राइवेट कार में, और मन निर्मल नहीं है तो नरक में है। कार दूषित नहीं है,
कार का दोष नहीं है, दोष हमारा है, हमने अपने मन को समझा नहीं, अपने मन को ठीक करने की चेष्टा नहीं की। जीवन भर दुनिया की चमक दमक में प्रलुब्ध रहे, जो मिथ्या है, स्थिर नहीं है, क्षण क्षण भागता है, हम भावुक हो जाते हैं। जो सामने दिखाई देता है लगता है ऐसे रोज रहेगा, और इसी में भावुक होकर के कैसे कैसे पाप लोग करते हैं। राजकाज में कितना बड़ा पाप होता है, ऐश्वर्य के लिए, पद के लिए, गद्दी के लिए खून खराबा, सामूहिक हत्या, और न मालूम कितने छल कपट तो होते ही हैं। तो ये सब भोग के कारण है, भोग की इच्छा, और भोग सब रोग हैं। भोग में भी संतुलन रखे बिना कोई सुखी नहीं रह सकता है। भोजन करना है, भोजन कोई आवश्यकता से अधिक करेगा तो दुख पाएगा। संतुलित भोजन होना चाहिए। इसलिए संसारी स्थिति में वहाँ भी भोग पर संयम की जरूरत है। मेरी पुस्तक ब्रह्मचर्य जीवन जब मैंने लिखी तो गार्हस्थ ब्रह्मचर्य एक अध्याय रखा, नारियों का एक अध्याय रखा, युवकों का एक अध्याय रखा। गृहस्थी में भी ब्रह्मचर्य की जरूरत होती है। लोग गृहस्थ क्यों होते हैं? क्योंकि वे समझते हैं हम अपने को संभाल नहीं पाएंगे। जवानी आने पर नर और नारी दोनों को अंग मिलन की चेष्टा होती है। इस चेष्टा पर संयम करके अपनी आत्मा की तरफ आ जाना, ये बड़ी बात है। ये कोई कोई कर पाते हैं, बाकी जानते ही नहीं हैं, जानते भी तो कर नहीं पाते हैं। इसलिए विवाह जरूरी है। विवाह नहीं करेंगे तो समाज प्रदूषित होगा, वे प्रदूषित होंगे, समाज प्रदूषित होगा। इसलिए विवाह जरूरी है। विवाह विशिष्टम वहनम, विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से वहन करना। लड़की का लड़का, लड़का का लड़की ठीक ढंग से निभाए, दोनों प्रेम समता से रहें। आंगिक चेष्टा थी, आंगिक मिलन की चेष्टा थी, आकर्षण था, युवक को युवती के लिए, युवती को युवक के लिए, विवाह हुआ, अच्छा हुआ। अब देख लिए, एक बार, दो बार, दस बार, अनेक बार देख लिए, तो अब तो वैराग होना चाहिए। जिसमें हमारा आकर्षण था वो मिथ्या ठहरा, उद्वेग, अशांति, मलिनता, तृष्णा, यही सब उसमें, और कुछ नहीं। संतान के लिए, गर्भाधान के लिए ठीक है बस, बाकी नहीं। तो गृहस्थी में पहुंच करके फिर वैराग्य होना चाहिए। जो सीधे वैराग्य करें वो सीधे करें, गृहस्थी में रह करके वैराग्य होना। गृहस्थ क्यों हुए? वैराग्य के लिए, ये अर्थ लगाइए। आकर्षण था इसलिए गृहस्थ हो गए। अब उसको देख लिए तो समझना चाहिए, और समझ करके वैराग्य बढ़ना चाहिए, संयम करना चाहिए। जितना संयम करोगे शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, अध्यात्म में मन लगेगा। इसलिए गृहस्थ नर नारी को भी अपने ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जितना बन सके अपने को संभालना चाहिए। हमारे अंदर की जो लालसा है बाहर भोगों के लिए, वही हमारे मन को मैला करती है, और वो जितना बढ़ता है विकार, उतना हिंसा, हत्या, लूटपाट, ये सब होता है। बहुत नहीं बढ़ता है तो छल कपट, छल कपट से चोरी बेईमानी, सभ्यता की चोरी की जाती है, और जब बहुत बढ़ जाता है तो मारपीट, लूट फूंक भी होता है। भोगों का जहाँ त्याग है वहाँ अहिंसा है, हिंसा नहीं है, पीड़ा नहीं है। जितना भोगों का त्याग होगा उतनी अहिंसा होगी। इसके लिए उदाहरण महाकाव्य, दो महाकाव्य हैं आर्यावर्त के, आर्यावर्त नेपाल
और भारत दोनों आर्यावर्त है, बल्कि नेपाल तो पूरा आर्यावर्त है, भारत पूरा आर्यावर्त नहीं है पंडितों के ख्याल से, विंध्य पर्वत तक ही है, और विंध्य पर्वत के उधर बहुत लंबा चौड़ा भारत है। आर्यावर्त एक देश अंतर्गत है, पूरी क्षेत्र पंडित लोग इस संकल्प में नेपाल के और भारत के दोनों एक ढंग से पढ़ते हैं। आर्यावर्त के दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। रामायण में राम भोग की इच्छुक नहीं है, उनको राज्य बताया गया और सुबह बताया गया वनवास। वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम को शोक नहीं हुआ, ये राम का रामत्व है। उनको भोग की लालसा नहीं थी, भोग की लालसा होती कोई उनको हटा न सकता। राजा दशरथ अंदर से चाहते थे, प्रजा चाहती थी, भरत आ जाते कुछ दिन में, भरत तो ही चाहते, कोई हटा न सकता। लेकिन वह तुरंत फुरत चल दिए, उसी दिन चल दिए। वो सोचे अगर एक दिन रह जाऊँ तो कोई विघ्न बाधा हो, रुक जाना पड़े तो ठीक नहीं है, माता कैकेयी को कष्ट होगा, और वह उसी दिन चल पड़े। ये भोग की भावना न होने से उन्होंने भाईचारे का बर्ताव किया, भाई के साथ उत्तम बर्ताव, भाई के लिए राज छोड़ दिया, माता पिता की आज्ञा मानी, मर्यादा का पालन किया। भरत को राज मिल गया था लेकिन उनको भोग की भावना नहीं थी, राज की इच्छा नहीं थी, इसलिए चित्रकूट में जाकर के उन्होंने मनाया कि आप लौट चले। जब वे नहीं लौटे तो उन्होंने राज्य का काम तो किया लेकिन राजभोग नहीं किया, तपस्वी की तरह जीवन बिताया। ये रामायण का उच्च आदर्श है त्याग का। महाभारत का उसका उल्टा है, कौरव पांडव राज्य के लिए गद्दी के लिए कट करके मर गए। जहाँ भोग की भावना वहाँ हिंसा है, हत्या है। हिंसा केवल मार देना ही नहीं है, अगर हम दूध में पानी मिलाते हैं तो हिंसा करते हैं, दूध बेचते हो पानी मिलाते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं तो हिंसा करते हैं, किसी की कीमत कम आंकते हैं तो ये भी हिंसा है। संप्रदाय में बहुत है, कट्टर कबीरपंथी राम कृष्ण विष्णु शिव मोहम्मद ईसा बुद्ध महावीर, इन सब का मूल्य ठीक से नहीं आंकते हैं। कट्टर राम उपासक कृष्ण का मूल्य ठीक से नहीं आंकते हैं, और कृष्ण उपासक राम को दो नंबर में रखना चाहते हैं, शैव इन सबको हटा देते हैं, ये भी हिंसा है, ये भी भोग की भावना है। हमारा गुरु हमारा महापुरुष सबसे ऊंचे रहे इसलिए पूरी दुनिया हमारे झंडे के नीचे आए, ये भोग की ही भावना है। जहाँ तक हम दुनिया से भोग चाहते हैं उतनी हम हिंसा करते हैं, और उतना हमारा मन खराब होता है, और उतना हमें पीड़ा होती है। जितना हम भोगों को त्यागते हैं मन निर्मल होता है, और उतना हमें सुख होता है, सच्चा सुख, स्वाद का सुख, स्पर्श का सुख, गंध का सुख, रस का सुख, रूप का सुख, ये दुख पैदा करते हैं। लेकिन मन की शांति का सुख अनपायनी, अनंत है, नित्य। जीवन में सफल हुआ है जिसका मन हर समय निर्मल है, ये कड़ी साधना से स्थित मिलने वाली है। कड़ी साधना कौन नहीं करता है। एक प्राइमरी का अध्यापक होने के लिए 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ना पड़ता है। कहीं भी देख लो हर जगह साधना करना है, कड़ी साधना करना है। अंतर्मुख होने के लिए जो साधना बड़ी सुखद है, हम धान बोते हैं महीनों के बाद होता है, कोई भी फसल महीनों के बाद होती है,
वर्षों पढ़ने लिखने के बाद तब कोई पोस्टिंग होती है, लेकिन साधना में काम शुरू करो तुरंत फल मिलने लगता है। ज्ञान की बात सोचो सुनो उसी में फल मिलता है। आप लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, सुनने से आपको सुख मिलेगा। मन एकाग्र होकर के सुन रहे हैं तो सुनने से सुख मिलेगा, और सुन करके जितना विचारेंगे सुख मिलेगा, उसके अनुसार आचरण करेंगे और सुख मिलेगा। आध्यात्मिक साधना में तो साधना करते करते ही फल मिलने लगता है, और जगह विफलता हो सकती, इसमें विफलता नहीं होती। कोई पढ़ लिख करके भी नौकरी नहीं पाता है, कोई व्यापार में प्रयास करते करते सफल नहीं होता है, खेती फसल बीज डाले जाते हैं और सूखा पड़ गया, बहुत पानी बरस दिया, फसल नष्ट हो गई, कीड़े खा गए। विवाह लोग करते हैं, किसी किसी को बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं खराब स्वभाव के होते और दुख देते हैं। तो दुनिया की बातों में तो पक्का नहीं है सफलता, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता पक्की है, क्योंकि मोक्ष मिलता है त्याग से, भोग मिलता है ग्रहण से, और ग्रहण में सब परतंत्र हैं और त्याग में सब स्वतंत्र हैं। सामने का मकान मुझे मिल जाए इसमें हम परतंत्र हैं, मकान वाला क्यों देगा? लेकिन मकान वाला कहे महाराज आप यहीं रहिए सदा के लिए, मैं आपको देता हूँ, और मैं कहता हूँ नहीं मैं तो जा रहा हूँ, तो मुझे वो क्या करेगा, पकड़ नहीं सकता है। पाने में हम परतंत्र हैं, छोड़ने में परतंत्र नहीं है। छोड़ने से मोक्ष मिलता है, पाने से भोग मिलता है। अब संसार की वस्तुओं को पाना टेढ़ी खीर है, जवानी आई और चली गई, इसी शरीर में गल गई, सारा संयोग वियोग होता रहता है। दुनिया की चमक तमक में उलझ करके हमारा मन खराब होता है, और कुछ स्थिर नहीं है, सब भागा जा रहा है। समझदार वह है जो अपने मन को संभालता है, हरदम अपने मन को देखता है, मन को पवित्र रखता है। प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन विषय हैं, ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष। आँख आदि की इंद्रियों से जो जानने में आता है ये प्रत्यक्ष है, ये सारा संसार प्रत्यक्ष है। और परोक्ष जो इंद्रियों से नहीं मन द्वारा जिसकी कल्पना होती है, जैसे भूत प्रेत देवता ईश्वर लोक लोकांतर स्वर्ग नरक लोक, ये सब परोक्ष हैं, ये मन की अवधारणाएं हैं, मन की कल्पनाएं हैं, मन के नक्शे हैं। तीसरा अपरोक्ष है, अपरोक्ष का मतलब स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा खुद। संसार के सभी मनुष्य प्रत्यक्ष में डूबे रहते हैं, शरीर सामने है, शरीर में ममता मोह आसक्ति और इंद्रियों के भोग में उन्मत्तता, न्याय अन्याय छोड़ करके उसके पीछे लग जाना। तो देह सामने प्रत्यक्ष है, और देह के साथ मिले हुए प्राणी पदार्थ, घर मकान जगह जमीन कारखाना दुकान ऑफिस, सारा प्रपंच जो सामने है, ये सब प्रत्यक्ष है। पढ़े और अनपढ़ सब की दृष्टि केवल प्रत्यक्ष में डूबी रहती है, लगता है शरीर ऐसे रहेगा, धन ऐसे रहेगा, पद ऐसे रहेगा, सब चीज़ ऐसे रहेगी, लेकिन ऐसा रहता नहीं। एक थानेदार जब रिटायर्ड हुए कुछ दिनों के बाद, वे मैदान में कंडा बीनते थे, पशु चरते हैं तो टट्टी कर देते हैं बैल गाय, वो सूख जाता है, उसको बीन रहे थे, बीने और बीन करके फिर किसी द्वारा घर ले आए, घर वाले डांटते रहे,
जो जीवन भर दूसरों को पीटे थे, गाली दिए थे, थानेदार का तो काम ही वो है। बुढ़ापा में बेचारा कंडा बीनता था और घर वाले उसको उल्टा पलटा कहते रहते थे। माया का ऐसा चक्र है, चक्र जैसे घूमता है तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। सारा संसार चक्र की तरह है, यहाँ कुछ स्थिर नहीं है। राजे महाराजे सड़क पर आ जाते हैं और सड़क वाले बड़े पद पर चले जाते हैं, अंत में किसी के साथ कुछ नहीं रहता है। इन प्राणी पदार्थों में हर इंसान उलझा है, भूल गया कि असली काम क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, कर्तव्य क्या है। सुख सबसे प्रिय है, आदमी किसी को नहीं चाहता है, सुख चाहता है, पत्नी को चाहता है, पति को चाहता है, झूठी बात है। एक युवक अपनी पत्नी से कहेगा तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, बहुत दिखाएगा मोह, लेकिन पत्नी बीमार हो गई, खाट में पड़ गई, डॉक्टर ने कहा कि अब ये उठ नहीं सकती, जीवन में कभी उठ नहीं सकती, आपको ही उसको मुख में, इसके मुख में ग्रास डाल के खिलाना पड़ेगा, शौच स्नान कराना पड़ेगा, सब कुछ करवाना पड़ेगा, ये जीवन में उठ के खड़ी नहीं हो सकती है। तो पुरुष चाहेगा कि भगवान इसको बुला लें, जो बहुत मोह दिखा रहा था वही चाहेगा कि अब ये न रह जाए तो अच्छा। पुरुष का ऐसा हो, पत्नी यही चाहेगी, पुत्र को ऐसा हो जाए, माता पिता चाहेंगे कि न रहे तो अच्छा है। अपना शरीर जब बहुत पीड़ित हो जाता है और अच्छा नहीं होता है और वेदना बहुत होती है तो कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अब आजकल तो आत्महत्या बहुत सरल है, कामनाएं जितनी बढ़ेंगी आत्महत्या बहुत बढ़ेगी, कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं इसलिए आत्महत्या तो आजकल खूब चल रही है, वो तो मूर्खतापूर्ण है। लेकिन शरीर की पीड़ा से कोई आत्महत्या करे तो एक असाधारण लगता है, सह नहीं पाया। दुनिया के जितने राष्ट्र हैं इस पर विचार करते हैं, ये कानून बनाया जाए कि शरीर से कोई अत्यंत पीड़ित हो चाहे तो मौत स्वीकार ले कानूनन, लेकिन लोग नहीं बनाते हैं कि इसका दुरुपयोग खूब होगा। धनी लोग हैं, लड़के बच्चे पिता पितामह को डॉक्टर से मिल करके मरवा देंगे, मालिक बन जाएंगे और केवल गृहस्थी नहीं, मंथी के लिए काम हो सकेगा, गुरुवाई के लिए हो सकेगा, क्योंकि जहाँ विवेक नहीं तहाँ साधु वेश कुछ काम नहीं करता है। आप लोग समय समय से अखबार में पढ़ते ही होंगे जो बड़े बड़े प्रसिद्ध कहलाने वाले गुरु हैं, दो नंबर वाले, चमत्कार फैलाने वाले, अवतार बनने वाले, आजकल वो यही सब करते रहते हैं। तो जीव को क्या प्रिय है? कोई वस्तु प्रिय नहीं, आत्मा के लिए सब प्रिय है। पैसा कोई लेकर के जा रहा है, काफ़ी रुपया है, रास्ते में बदमाश मिल गए और कहे कि सब रुपये रख दो नहीं तो बंदूक से उड़ा देंगे, समझदार आदमी होगा रख देगा। पैसे हमारे लिए प्रिय हैं और हमारा ही जीवन जब खतरे में है तो पैसा क्या करेंगे। आत्मा के लिए सब प्रिय है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से समझाते हुए बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है कि पत्नी के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती, आत्मा के लिए प्रिय होती, अपने लिए प्रिय होती है। पति को पति के लिए प्रिय नहीं होती है पत्नी को, किंतु आत्मा के लिए होती है। धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, आत्मा के लिए धन प्रिय होता है। ब्रह्म के लिए ब्रह्म प्रिय नहीं होता है, ब्रह्म आत्मा के लिए प्रिय होता है। अगर आपको पता लगे कि भगवान बहुत दुख देता है तो भगवान का नाम नहीं लेंगे। जब पानी नहीं बरसता है तो बहुत लोग भगवान को गाली देने लगते हैं क्योंकि पानी में बरसा नहीं रहा है। यद्यपि पानी बरसने का कारण प्रकृति है, पानी कोई भगवान नहीं बरसाता है। अगर कोई चेतन भगवान बरसाए तो कायदे से बरसाएगा, सूखा क्यों करेगा। जड़ प्रकृति से पानी बरसता है। एक नवयुवक था,
सौ फीट ऊंचे टीले पर चढ़ गया। टीला बड़ा ऊंचा था और सीधा था, चढ़ गया। आपके यहाँ तो टीला पर्वत, बड़े बड़े पर्वत हैं, तो चढ़ तो गया लेकिन उतरने में उसको संकट लगा। जब आदमी संकटग्रस्त होता है तो देवी देवता मनाता है। जब देवी देवता का प्रार्थना करता है तो ये नहीं कोई देवी देवता उत्तर देता और जानता है, अपने मन में एक साहस आता है। उसने कहा, हे टीला का देवता, मैं उतर जाऊं सकुशल तो 100 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। उसको साहस आया, उतरने लगा, 50 फीट उतर गया। तब उसने सोचा कि ये 100 साधु ब्राह्मण का खिलाना बड़ा महंगा होगा। कहा, देवता, मैंने भय में इतना कह दिया, 100 साधु ब्राह्मण नहीं, 50 साधु ब्राह्मण खिला देंगे। जब और उतर आया तो कहा, देवता, 50 भी बहुत होता है, 5 ब्राह्मण और 5 साधु खिला दूंगा। जब और नीचे आ गया तो कहा, देवता, एक बार और क्षमा कर दो, 1 ब्राह्मण खिलाऊंगा और 1 साधु खिलाऊंगा। जब जमीन पर आ गया तब कहा, हे देवता, इतने ऊंचे न कभी चढ़ूंगा न किसी को खिलाऊंगा, क्योंकि काम पूरा हो गया। देवता के लिए वो थोड़े चाहता था, अपने लिए चाहता था। आत्मा के लिए सब चाहा जाता है, लेकिन आत्मा को लोग पहचानते नहीं और आत्मा को दुख में डाले रहते हैं। चिंता, उद्वेग, ये दुख है, जिससे निश्चिंतता हो, उद्वेग शून्यता हो, शांति हो, सुबह नींद खुले, आनंद से मन रहे, कहीं मन टकराए ना, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, ममता में टकराता है। जहाँ मोह रहता है दूसरे ढंग से खींचता है, द्वेष रहता है दूसरे ढंग से खींचता है, ये चित्त का नरक है। सुबह नींद खुले, कहीं मोह नहीं, कहीं वैर नहीं, संभाव, कोई मन में खटक नहीं, प्रसन्नता, आनंद, दिन भर का अपना काम विवेक पूर्वक किए, व्यवहार का काम किए, साधना भजन किए, मन प्रसन्न रहा, बिस्तर पर गए, आनंद से सो गए, कोई चित्त का उद्वेग नहीं। सुख से सोना, सुख से जागना, सुख से जीना और सुख से मरना, ये जीवन की सफलता है। बड़ा मकान जीवन की सफलता नहीं, बहुत धन जीवन की सफलता नहीं, बहुत विद्या और पद जीवन की सफलता नहीं, लंबी गुरुवाई, बड़े महंत, जगतगुरु होना जीवन की सफलता नहीं, प्रवक्ता होना जीवन की सफलता नहीं, लेखक होना जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता है चित्त की निर्मलता होना, जिससे सदैव प्रसन्नता बनी रहे, आनंद बना रहे, ये जीवन की सफलता है। प्रत्यक्ष में मनुष्य डूबा है, कोई कोई जीव इस प्रत्यक्ष से ऊपर उठते हैं, विवेक जगता है कि जिसके लिए मुझे भोग की भावना थी वो सब नश्वर है, और आज तक देखा ठोकरे ठोकरे जीवन में ठोकरे, तो उसको वैराग्य मन में जगता है दुनिया से, और उसका मन परोक्ष में जाता है, कहीं कोई देवता है, ईश्वर है, लोक लोकांतर है, तो देवता और ईश्वर की उपासना करने लगता है, और वो कल्पना करता है कि हमें कोई लोक में जाना होगा, उस लोक में बड़ा आनंद है। तो दुनिया के मोह से हट करके वह देवी देवता और किसी ईश्वर की उपासना में लग जाता है, तो उसका दुख घटता है, उसका दुख घटता है। दुनिया के भोग की जो घुड़दौड़ थी वो हट गई, इससे उसे उत्पन्न होने वाले पाप भी बंद हो गए, जीवन में स्वच्छता आ गई, और साकार ईश्वर, निराकार ईश्वर, बंसीधारी, कंबलधारी, धनुर्धारी, जटाधारी, किसी का ध्यान पूजन करने लगा तो उसके मन में सात्विकता आने लगती है और कुछ कुछ प्रसन्नता आने लगती है, लेकिन इसमें बोध नहीं होता है, परोक्ष।
प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय है और परोक्ष मन का विषय है। जानने की 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। इन 5ों से हम जितना संसार को जानते हैं, यही 5ों में संसार है। 5 विषय में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब प्रत्यक्ष है। और मन से जो कल्पना होती है, मन से जो नक्शा होता है, वो परोक्ष है, वो प्रत्यक्ष में नहीं आता है। मन की अवधारणा, मन की कल्पना, मन का अनुमान, मन का नक्शा बनाते हैं। अलग अलग ईश्वर की कल्पना सबकी है, भिन्न भिन्न मतों के ईश्वर अलग अलग हैं, देवता अलग अलग हैं। और देवता चित्त न धरई, गोस्वामी जी ने कहा, केवल हनुमान जी में मन लगा और देवता चित्त न धरई। लेकिन दूसरे लोग शयो हैं, कभी नहीं पसंद करेंगे, शिव सर्वोपरि। तो सब अपने अपने अलग अलग देवता हैं, अलग अलग ईश्वर हैं, किंतु इससे एक सात्विकता उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल निरर्थक नहीं जाता है, हाय काल्पनिक सब मन की उदाहरणाएं हैं, लेकिन इससे कुछ सात्विकता उत्पन्न होती है। जब अपरोक्ष बोध होता है आत्मा का, तब पूरा काम होता है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और कण कण में है। अगर इसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ यह होगा कि नियम सर्वत्र व्याप्त है और कण कण में है, वो नियम ही ईश्वर है। प्रकृति के नियमों से छह ऋतुओं का परिवर्तन होता है, दिन रात बनते हैं, और कंकर, पत्थर, हीरे, मोती, वृक्ष, वनस्पति, झरने, तमाम कार्य पदार्थों का निर्माण होता है, परिवर्तन होता है। सब जगह नियम व्याप्त है। हमारे शरीर में नियम है, हमारे मन में नियम है, नियम व्यापक है, सर्वत्र है, कण कण में नियम है। वो नियम ही असली ईश्वर है। इसको वेद में ऋत कहा गया है, ऋतस्य तंतुम विततम। ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण हैं, नियम के धागे सर्वत्र पिरोए हैं। ऋत ही आगे चल करके स्थूल ईश्वर का रूप ले लिया और सब भटकाव शुरू हो गया। ईश्वर को खुश करने के चक्कर में, उसको लड्डू खिला करके, उसकी प्रार्थना करके, सब काम पूरा करने के चक्कर में लोग पड़ गए। नियम ठीक है, नियम से चलोगे सुखी रहोगे, नियम का उल्लंघन करोगे दुखी रहोगे। अगर 2 रोटी आपका पेट पचाता है तो 3 खाओगे तो तकलीफ होगी, 4 खाओगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। जो आपकी आंत का नियम है उसको पहचानो और वैसे करो तो अमृत है। 2 व्यक्ति मिले तो क्या बात, कैसे बात करना चाहिए, प्रसन्न होके बात करना चाहिए। और जहाँ दोनों के विचार मिलें वहाँ से बात शुरू करना चाहिए। मिले रुखे फीके होके बोले, और जहाँ विरोधी बात है वहाँ कह दिए, तो ये नियम नहीं हुआ। इसमें खिन्नता होगी उसको भी, अपने को भी। बात के नियम होते हैं, हर काम के नियम हैं। कुछ नियम मनुष्यों के बनाए हैं, बाकी नियम स्वयंभू हैं, सदा से हैं। मनुष्यों के नियम परिवर्तित होते हैं। जैसे आपके घर में नियम हो गया कि 6 बजे भोजन कर लेना है शाम को, तो उसका पालन सबको करना चाहिए। जब देखा गया 6 बजे ठीक नहीं, 7 बजे ठीक है, तो बदल दिया गया। तो मनुष्यों के नियम बदलते हैं, लेकिन जब तक जो नियम रहे पालन करना चाहिए समूह को। बदलने की आवश्यकता हो तो सब मिल बैठ करके बदलना चाहिए। किंतु जो स्वयंभू नियम है वो अनादि से अनंत काल की तरफ निरंतर प्रवाहित हैं, वो सब समय रहेंगे, वही असली ईश्वर है। उसको पहचानो तो भ्रांति नहीं होगी। पानी कौन बरसाता है? कोई ईश्वर नहीं बरसाता है, जड़ प्रकृति के नियमों से बरसता है। कोई दयालु ईश्वर बरसाए तो खेत में बरसाएगा, सड़क में नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क में कीचड़ हो जाता है।
खेत में पानी की आवश्यकता है। धान के खेत में ज़्यादा वर्षा आएगा, गेहूं के खेत में कम वर्षा है, क्योंकि गेहूं को पानी कम चाहिए, भूचाल नहीं लाएगा, उत्पात नहीं लाएगा। भूचाल आती है प्रकृति के नियमों से, पानी बरसता है प्रकृति के नियमों से, वो प्रकृति का नियम ही ईश्वर है। अगर कोई पाप करता है तो दुख पाता है, पुण्य करता है सुख पाता है, ये नियम है। लेकिन लोग पाप करके ईश्वर को खुश करके पाप से छूटना चाहते हैं, पाप के परिणाम से। जो नियम रूपी ईश्वर है तो छोड़ता नहीं है, इसीलिए नियम को मानना छोड़ दिया गया, अपने तरफ से ईश्वर बना लिया गया। जो लड्डू खाने वाला है खुश होने वाला है, अगर प्रार्थना करो तो खुश हो जाता है, और लड्डू दो तो और खुश हो जाता है। चोरी हमने की, लाखों की संपत्ति लाई, और उसके बाद 1,000-2,000 की चीज, थोड़ा कपड़ा, थोड़ी मिठाई, थोड़ा नगद, फूल माला लेके मंदिर में गए, भगवान की पूजा कर ली और रोने लगे, हे भगवान क्षमा करो। भगवान लड्डू पाया, कपड़ा पाया, खुश हो गया, क्षमा कर दिया, कैसी भूल भुलैया है। जो भगवान हमें चोरी करने से रोक नहीं पाया, वो भगवान हमारे चोरी कर्म के फल को काट कैसे पाएगा, ये विचार करने की जरूरत है। लेकिन भगवान के विषय में विचार करना नास्तिकता है। जो गुरु बाबा लोग कह दिए बस ऐसे चलो आंख बंद करके, भटकाव के सिवा कुछ नहीं है। ईश्वर हमें रोक देता चोरी मत करो, नहीं रोक पाया तो हमारे चौरत्व पाप को कैसे काट पाएगा। क्षमा मांगने के तरीका भी नहीं है। चोरी करे इंसान के घर में, क्षमा मांगे भगवान के घर में। जिसके घर में हमने चोरी की उससे क्षमा मांगे और कहें भैया हमने चोरी की, हम सारा माल लौटाए देते हैं, आप क्षमा करें, वो खुश हो जाएगा, बल्कि आपको पुरस्कार देगा, आप धन्य हैं। ऐसा कोई हो तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चोरी करेंगे इंसान के घर में, क्षमा मांगे भगवान के घर में, क्योंकि हमने भगवान ईश्वर एक बना लिया। लड्डू पाने वाला, खुशामत पसंद, घूसखोर, कमीशन खाने वाला, बस अपने मन को संतुष्ट कर लिए कि हमारा पाप कट गया। ये भूल भुलैया धर्म के क्षेत्र में बहुत है। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में से अगर छांटे जाएं तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो भूल भुलैया के हैं। गंगम नहाओ पाप कट जाएगा, अमुक नाम लो पाप कट जाएगा, गायत्री जपो पाप कट जाएगा। कोई गायत्री जपे और देखा जाए कि उसके काम क्रोध लोभ मोह लुप्त हो गए हैं तो पाप कट गए। कोई गंगा में नहाया और निकला तो रागत द्वेषहीन प्रशांत आनंदमय हो गया। अब उसके जीवन में राग द्वेष नहीं है तो माना जाएगा पाप कट गया। और गंगा स्नान करके निकला, उसके बाद तमाकू रगड़ करके खा रहा है, गाली दे रहा है, छल कपट कर रहा है, तो कैसे कट गया। तो भूल भुलैया बहुत है, क्योंकि हमने जो ईश्वर गढ़ लिया है अलग अलग व्यक्ति ईश्वर, वो सदाचार और नैतिकता को झुठलाने के लिए। लेकिन जो विश्वव्यापी ईश्वर है, नियम जो कण कण में है, हर जगह है, उस नियम को ईश्वर माने और उसको पहचाने तो हम पाप नहीं करेंगे। जिस रूप से ईश्वर की कल्पना होती, ईश्वर हर जगह है, सब कुछ जानता और सब कुछ देखता है, तो जहां हम चोरी करते वो देखता है, हम कैसे चोरी करेंगे। चोरी हम करें, कोई न देखे न देखे ईश्वर जरूर देखता है, कोई जाने न जाने ईश्वर जरूर जानता है। कहाँ ईश्वर, आपकी आंखें ईश्वर की आंखें हैं। आप चोरी करेंगे तो आपकी आंखें देखेंगी, आप चोरी करेंगे तो आपकी अंतरात्मा जानेगी, ये अंतरात्मा ही ईश्वर है। ये आनुभविक और वैज्ञानिक है। ईश्वर आप हैं, आपकी आंखें ईश्वर की आंखें हैं, आप जो कुछ करते आप जानते हैं, अपने को कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन हम अपने को धोखा देने के चक्कर में पड़े रहते हैं। परोक्ष,
में लोग लगते हैं तो वो भी खंडनी नहीं है एकदम, कोई देवता पूजता है, कोई ईश्वर पूजता है, कोई कुछ करता है, कोई मंत्र जपता है, तो दुनियादारी से हट करके थोड़ा संतोष मिलता है, लेकिन बोध नहीं होता है, परम शांति नहीं मिलेगी। अच्छे अच्छे त्यागी संत, मन उनका निर्मल है, बड़े निर्माणी हैं, निष्काम हैं, लेकिन बुढ़ा गए हैं और रो रहे हैं अभी ईश्वर दर्शन नहीं दिया। इतना त्याग तब किया और ईश्वर अभी तक दर्शन नहीं दिया, क्योंकि बोध नहीं है। दर्शन जिसके होते हैं वो ईश्वर नहीं होता है, वो रूप होता है, और रूप एक विषय है, जड़ है, विषय नाम पदार्थ। श्रुतियों में कभी कहीं नहीं कहा गया है कि ईश्वर के दर्शन होते हैं। चारों वेदों में, छह शास्त्रों में, समस्त वैदिक साहित्य में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर के दर्शन का चक्कर तो ये पुराणों और महाकाव्यों में चला है। बौद्धों जैनों का बहुत बोलबाला हुआ आज से 2500 वर्ष पूर्व, तब से बढ़ता गया। तो वैदिक पंडितों ने ये पुराण महाकाव्य इत्यादि रचे और इसमें स्थूल बातें बहुल लगाई और खूब महिमा बढ़ाई, तो जनता उधर झुकी। तो झुकी तो जरूर, लेकिन अंधविश्वास बढ़ गया। उपनिषद, वैदिक साहित्य उपनिषदें जो हैं, उनमें न तो अवतारवाद है, न देववाद है, न चमत्कार है, आत्मज्ञान है और कर्म सिद्धांत है। कबीर वाणी अपने ढंग से उपनिषद है। कबीर वाणी आप देखिए, बीजक, इतना अद्भुत ग्रंथ। बीजक पढ़े तो मानो आप वैदिक साहित्य भी पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि इस्लाम का भी ज्ञान आपको होगा। कबीर साहब को लोग कहते पढ़े लिखे नहीं थे, वैदिक ऋषि कौन पढ़े लिखे थे, किताब थी ही नहीं तब, पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं है, ज्ञान का अनुभव का महत्व है। तो उपनिषदें जो प्राचीन हैं, वैदिक हैं, कबीर साहब का तो 600 वर्ष का है, उपनिषदें तो बहुत प्राचीन हैं, वैदिक हैं, लेकिन वैदिकों को समझना चाहिए कि जो ज्ञान के खजाना उपनिषदें हैं उनमें देववाद नहीं है, चमत्कार नहीं है, अवतारवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच की भावना नहीं है, समता की भावना है, व्यवहार पक्ष भी उज्ज्वल है और अध्यात्म पक्ष भी उज्ज्वल है। और आत्मा के विषय में यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चानाविचेष्ट तामाहु परमाम गतिम, ये श्रुत वचन है, वैदिक वचन है। जब पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि शांत हो जाएं, तब ये परम गति है। पांच ज्ञानेन्द्रियां शांत हो गईं तो प्रत्यक्ष से ऊपर उठ गया, और मन बुद्धि शांत हो गए तो परोक्ष से ऊपर उठ गया, फिर अपने आप परमानंद में, परम कल्याण में। ये विचार और कबीर विचार बिल्कुल मिलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मन से ता मन को चीनो मुरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। मन से ऊपर उठो। मन की जितनी अवधारणाएं हैं वो परोक्ष हैं, उनसे ऊपर उठ जाना, आत्मज्ञान में रम जाना, ये अपरोक्ष है। अपरोक्ष नाम स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा। इंद्रियों से जो दिखाई देता है उसका मोह छूट गया, और मन से जितनी कल्पनाएं हैं उसका मोह छूट गया, तब आत्मा शेष रहा, स्वयं शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप। ये अपरोक्ष बोध और अपरोक्ष ज्ञान है। कबीर साहब ने सदैव अपरोक्ष पर जोर दिया। उपनिषदों में परोक्ष ब्रह्म, अपरोक्ष ब्रह्म दोनों का वर्णन है, लेकिन वेदांती पुरुष भी जो विशेष चिंतक हैं वे परोक्ष ब्रह्म को श्रेय नहीं देते हैं। परोक्ष ब्रह्म दुनिया बनाया उसने, उसको श्रेय नहीं देते हैं, अपरोक्ष ब्रह्म को श्रेय देते हैं। आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जिसने समझ लिया यह आत्मा ही परम पुरुष है, किस इच्छा से, किस वासना से
इस शरीर के पीछे चल करके जन्म मरण का बुखार लगाए रखेगा, तपता रहेगा, तो आत्मा ही को ब्रह्म कहा। इसीलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमस प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, यह आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म नाम बड़ा श्रेष्ठ, आत्मा ही श्रेष्ठ है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो दिल की दुविधा जाए। साहब कहते हृदय के भीतर में सबके विवेक का दर्पण है, उसी से अपने स्वरूप का बोध होगा। दिल की दुविधा जाने पर बोध होगा, बाहर भटको मत अंतर्मुख हो। पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुन आवत हाँसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, जल विच कमल कमल विच कलियाँ तेह पर भवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक भयो सब जति सती सन्यासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सास अठासी। सो तेरे घटमाही विराजे परम पुरुष अविनाशी, है हाजिर ते दूर बतावें दूर की बात निराशी। कहें कबीर सुनो हो संतो बिन गुर भर्म न जासी। गुरु की जरूरत है जो बोध दे, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष, प्रत्यक्ष पांचों विषय जगत प्रपंच है, सब लोग इसी में डूबे हैं और इसीलिए सब दुखी हैं। आप आत्मा हैं, चेतन हैं, आप देह नहीं हैं। आपके जीवन का फल आत्म शांति है, कल्याण है, ये समझें। दुनिया की चमक दमक से ऊपर उठें। आखिर छोड़ना है, त्याग करना है सबन को, बचत न कोई दिखाए। चाहे तजे दुख भोग के चाहे प्रथम हटाए, ये श्री विशाल साहब कहते हैं। त्याग सबको करना है, कोई बचते नहीं दिखता है। चाहे दुख भोग के हटे और चाहे पहले हटा दे, चाहे जूता लात खा करके हटे और चाहे पहले हट जाए। पहले त्याग दिया, शांति मिल गई, बूढ़ा हो गया, निकम्मा हो गया, भोग ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है, रो रहा है, क्या करें, खाने का मन तो होता है लेकिन पछता नहीं है, हलवा कैसे खाएं। पान तो खाने का मन होता है, उसमें सुपारी भी रहती है, लेकिन दांत ही नहीं है, तो जूता लात खा करके छोड़ना है। वो कहानी एक दो आदमियों ने एक सेठ से 100-100 रुपये उधार लिए और कहा महीने भर में दे देंगे। एक ने दे दिया, दूसरा नहीं दिया, बड़ा चालाक था। कई महीने बीत गए, सेठ पकड़ पाया, उसको बधवा दिया, कहा रुपये दो तब छोड़ेंगे। कहा सेठ जी रुपये नहीं है। कहे रुपये नहीं तो 100 प्याज खा लो तो हम छोड़ देंगे। प्याज तो यहाँ जानते होंगे इस भाषा में, प्याज। हाँ, तो 100 प्याज खा लो तो हम रुपये छोड़ देंगे। तो कहे खा रख दो। दो तीन खाया तो ऐसे परेशान हो गया, कहे नहीं खा पाएंगे। तो एक अच्छा 100 मिर्चा खा लो तो छोड़ देंगे। तो जोश में होश तो रहता नहीं, कहा रखो खा लेंगे। तो एक दो खाया तो ऐसे मुंह कलेजा जलने लगा। तो सेठ ने कहा अच्छा 100 जूते खा लो तो हम रुपये छोड़ देंगे। तो सोचा वो खाना तो है नहीं, सहना है, पेट के बल लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया। तो कहा सेठ जी हम रुपये दे देते, आप छोड़ दीजिए। तो घर से रुपये मंगा दिया, छोड़ दिया गया। समझदार वह है जो पहले रुपये दे दिया। ये तो बदनाम हुआ, प्याज खाए, मिर्चे खाए, जूते खाए, रुपये दिए। तो त्याग तो सबको करना है। विवेक से पहले से त्याग करने शांति मिलेगी। जब निकम्मा हो गया, घर वाले छोड़ दिए, तब घर से वैराग लग गया तो क्या होगा? घर में रहते रहते समर्थ होते हुए वैराग करो। मैं गृहस्थों को नहीं कहता हूँ घर छोड़ दो, घर में रहो, घर में वैराग करो। एक दिन तो निकलना है। क्या साधुओं को मरना, गृहस्थों को नहीं मरना है? सबको मरना है। मरना है जब अवश्य मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा, निर्मल साहब ने कहा। तो पहले से वैराग करो। मैंने शुरू किया था कि हमारे जीवन की सफलता किसमें है? घर, मकान, जमीन, पद, प्रतिष्ठा, विद्या, अधिकार, गुरुवाई, महंती,
बड़ा घर, बड़ा मठ, इस समय हमारी सफलता नहीं है। बड़ा लेखक हो जाना भी सफलता नहीं है, बड़ा प्रवक्ता हो जाना भी सफलता नहीं है। असली सफलता है निर्मल मन का होना, प्रसन्न मन का होना। निर्मल मन ही प्रसन्न होता है। सोते जागते चलते फिरते हर समय आनंद कंद रहना, इस देह में रहते रहते मुक्त जीवन बिताना, ये सफलता है। आप कहेंगे ये साधुओं के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थ साधु के लिए नहीं कहा जाता, मनुष्य के लिए कहा जाता है। न स्त्री के लिए कहा जाता, न पुरुष के लिए, न गृहस्थ न विरक्त के लिए, मनुष्य के लिए। स्त्री पुरुष सब मनुष्य हैं, गृहस्थ विरक्त सब मनुष्य हैं, सुख सबको प्रिय है। भोजन करने के समय कोई गृहस्थ नहीं कहता है कि महात्मा लोग आप लोग तो भाई दाल भात खाओ, हम तो बालू खाएंगे। गृहस्थ भी कहते हैं हम दाल भात खाएंगे, तो कल्याण तो सबको प्रिय है। गृहस्थी विरक्ति दो श्रेणी है और प्रयोजन सबको वही है, परम शांत, परमानंद, परम प्रसन्नता, जीवन का परम फल है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए अपरोक्ष बोध। ये प्रत्यक्ष से तो मोह छोड़ना ही है, परोक्ष जो तमाम कल्पनाएं कर रखी गई हैं उनसे भी ऊपर उठना है, आत्मा का बोध प्राप्त करना है। अपने को पहचानो, मैंने पहले दिन कहा था, बंदे कर ले आपने बेरा, आप जीत लखो आप ठहरू कर मुए कहाँ घर तेरा। अपने को पहचानो, अपने को समझो, अपने को सबसे छुड़ाओ, निर्मल करो चित्त को, अपने आप में लीन हो। इसके लिए सब लोग एकांत बैठो। ये देवियाँ जितनी बैठी, ये भी अगर देवता आपके घर के खा लें और आप न खाएं तो आपका पेट नहीं भरेगा। अपना अपना खाने से पेट भरता है। इसलिए स्वयं स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सब अकेले में बैठो, मौन हो जाओ, ध्यान करो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो। सेवा तो आप लोग करते हो, सेवा करो, सेवा से चित्त शुद्ध होगा। अकेले में बैठो, स्वाध्याय करो, ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ो तो ज्ञान की बातें दिमाग में ताज़ा रहेंगे। चिंतन करो, संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है। शरीर क्या है? हड्डी की झोपड़ी है, चाम का थैला है, टट्टी पेशाब की पोटली है, नश्वर है, नहीं रहने वाली है, छूट जाएगी ये देह। आत्मा अमर शुद्ध बुद्ध निर्मल है, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। इस प्रकार विचार चिंतन कहलाता है। इस चिंतन से मन की काई धुलती है और फिर ध्यान, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। आंखें बंद करो और बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ। एक खूंटा है मन को बांधने का, और अगर एकाग्रता होगी तो उसमें प्रकाश दिखाई देगा, सड़क जैसी दिखाई देगी, चिंगारी जैसी दिखाई देगी। एकाग्रता नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगी। यद्यपि वो कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, वहाँ की गर्मी है, लेकिन मन को बांधने की एक खूंटा है। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ, कुछ ना ध्यान ख्याल करो, केवल सांस को सोचो और सांस पर मन ठहराओ, ऐसा अभ्यास करो। ये ध्यान की एक प्रक्रिया है, अनेक प्रक्रियाएं हैं। हम लोगों का जो ध्यान खास है पारक सिद्धांत का, वो साक्षी भाव है। नदी के किनारे बैठे, नदी में तरंगे आती और जाती हैं, जो तट पर बैठा है वो केवल देखता है, बहता नहीं। ऐसे मन को देखो, मन में बहो ना। जो याद आए, जो संकल्प आए, उसको उदास होकर के देखो, उसमें मिलो ना, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। ये इसको कहते दृष्टाभ्यास, साक्षी अभ्यास। और ये करते करते ऐसी अवस्था आती है कि संकल्प शांत हो जाते हैं, वैराग्य और अभ्यास दोनों बढ़ते हैं, तभी होता है। और वैराग शब्द आए तो आप मत समझिए कपड़ा बदलना और आश्रम बदलना। जिनकी हिम्मत है वह आश्रम बदल दे, कपड़ा बदल दे, ठीक है, घर छोड़ दे, साधु के पास चले जाए, मठ में रहें, और गृहस्थी कपड़ा तो बदल ही जाता है वहाँ जाने पर। तो जिनकी ऐसी हिम्मत है करें, लेकिन जानबूझ के करें, ऐसा नहीं कि जाएं और फिर घबराएं तो फिर घर लौटें। घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, और मठ पर बताया काम तो बंदे रमता राम, तो ऐसा न करें।
घर में रहें कहीं रहें, वैराग सबको जरूरी है। वैराग मोह न करना, जिस संसार को छोड़ना है मोह छोड़ करके उद्धार होगा। वैराग जितना बढ़ेगा, स्वाध्याय चिंतन ध्यान जितना बढ़ेगा वैराग बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा तो निर्विकल्प समाधि लगेगी। जब आसक्ति चारों तरफ टूटेगी तो मन एकाग्र होगा। बाहर की आसक्ति भीतर प्रवेश करने में बैरियर है और वैराग्य से कटेगी। वैराग मन की विवेक शक्ति से उत्पन्न होता है, कपड़ा बदलने से नहीं, आश्रम बदलने से नहीं। उसके लिए पुरुष अधिकारी हैं वो स्त्री नहीं, इसी बात नहीं, सब अधिकारी हैं, मानव मात्र अधिकारी हैं। अनासक्त होकर के अभ्यास करो, वो दशा आएगी। इस प्रकार अकेले में सब लोग रोज बैठना शुरू करो, नहीं दो बार तीन बार तो एक बार तो बैठो, नहीं दो घंटा तीन घंटा आधा घंटा बैठो। बहुत व्यस्त लोग हैं 15 मिनट बैठे, कुछ शुरू तो करें, देखेंगे आदत बनेगी और उधर उन्नति होगी। और अगर ऐसे बतकही में रह जाएंगे केवल, अभ्यास नहीं करेंगे, तो चित्त की निर्मलता नहीं होगी। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन की सच्ची सफलता को हमें समझना चाहिए। सच्ची सफलता है मन की निर्मलता और आत्म संतोष की प्राप्ति। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।